क्या हुआ, क्या देख रहे हो? ये कि तुम हंसते हुए कितनी अच्छी लगती हो। क्या? नहीं कुछ नहीं, वो हंसते हुए लोग अच्छे लगते हैं ना, और तुम भी हंस रही थी, और तुम भी तो लोगों में ही आती हो ना, जैसे अभी सभी और विनायक हंस रहे थे, कितने खुश लग रहे थे, तुम भी कितनी खुश लग रही हो। हाँ तो मेरे पास तो वजह है। क्या, मेरी चोटी? नहीं नहीं, बीजू काका। बीजू काका हमारे काका भी हैं? हाँ, जब मैं सभी जितनी छोटी थी ना, तो बीजू काका और मेरे आबा दोनों की पोस्टिंग एक ही जगह पे थी। अब वैसे तो बीजू काका सीनियर थे आबा के, लेकिन मेरे फ्रेंड थे, और वो हमेशा मतलब अपना अधिकतर समय हमारे घर पे ही बिताते थे। और अब इतने सालों बाद उनका कॉल आया था, वो कह रहे थे कि नागपुर में उनकी पोस्टिंग हो गई है। पता है, कमिश्नर बन गए वो, तो गुल्ला। और पता है तुमको, जब मैं सभी जितनी छोटी थी, तब से विजू काका कहते आ रहे हैं कि मैं बड़े होके बहुत अच्छी डॉक्टर बनूंगी। अब मेरा तो कोई रिश्ता था ही नहीं विजू काका के अलावा, तो विजू काका मेरे आवाज जैसे ही थे। तुम कितनी लकी हो ना सही, तुम्हारे पास तुम्हारे आबा भी थे, और आबा जितना प्यार करने वाले काका भी थे, और कम लोग होते हैं जो इतने खुश नसीब। एनीवे, कब मिलवा रहे हो तुम अपने काका से? उन्हें डिनर पे घर पे इनवाइट कर लूं क्या, चलेगा? दौड़ेगा। अरे बुलाओ, आई कितनी खुश होंगी कि तुम्हारे मायके से पहली बार कोई इस घर में आएगा। बुला लो। अरे विराट सर, आप यहाँ? प्रैक्टिस करने का मन किया। आपका यहाँ का बेस्ट फाइटर कौन है? वो है, मसूद नाम है उसका, न्यू जॉइन है, स्टेट लेवल चैंपियन है, आप उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। मसूद जी सर, आप विराट सर है ना? सर मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आप बहुत अच्छे किकबॉक्सर हैं सर। विराट सर तुम्हारे साथ एक मुकाबला करना चाहते हैं। मेरे साथ? क्यों, तुझे नहीं करना? नहीं सर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, उल्टा ये तो मेरी खुशनसीबी है कि आपके साथ फाइट करने का मौका मिलेगा। मैं रेडी हूँ सर। तुम विनायक और सभी को कहाँ ले जा रही हो? Thank you.
स्टॉप इट। संभाल के सर, ये सब क्या हुआ? आपके जैसा फाइटर और इस तरह? I'm sorry सर, मैं बस फाइट कर रहा था। सॉरी मत बोल, अच्छी फाइट की। तेरे साथ मुकाबला करके अच्छा लगा। ये ले, थैंक यू। इतने सालों से लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूं, लेकिन आपकी फाइट देखकर लगता है कि आप जानबूझकर मार खा रहे थे। आपने वापस अटैक क्यों नहीं किया? आई नो आप ऐसी फाइट नहीं करते। थोड़े जब जिंदगी दिल को इतने दर्द दे दे जो बर्दाश्त ही ना हो पाए, तो जिस्म की ये चोटें दिल के उस दर्द को भुलाने में, उससे ध्यान हटाने में मदद करती है। सही कर रहा था सर। आपका फोन। मीटिंग विद न्यू कमिश्नर। सर, ये सारे नागपुर के पुलिस स्टेशन हैं और ये फाइल्स मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ, प्लीज देख लीजिएगा। आज भी किसी सुसाइडल मिशन पे जा रहे हो डीसीपी चौहान? मतलब समझा नहीं। परसों पहले मैं तुमसे मिला था तो तुम ऐसे मिशन ढूंढते थे जिसमें तुम्हारी जान को खतरा हो। ऐसे लगता था कि तुम जानबूझ के मौत के पीछे पड़े हो। आज भी वैसे ही चल रहा है। माफ कीजिएगा, लेकिन आपको कैसे पता? चेहरे पे लगी हुई ये चोटे उसी की तरफ इशारा कर रही है कि आज भी तुम्हें अपनी परवाह नहीं है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। वो किकबॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था तो। तुम इस डिपार्टमेंट के एक होनहार ऑफिसर, तुम्हारे जैसे जाबाज ऑफिसर को अपना ख्याल रखना चाहिए। हाँ, अपने लिए नहीं सही, लेकिन इस शहर के लिए, इस डिपार्टमेंट के लिए प्लीज अपना आप ख्याल रखा करो। जी सर, इफ आई मे। हम तुम यूं इस कदर जो मिल रहे हैं, दबे थे जो जज्बात यूं ही बह पड़े हैं, गुम है किसी के प्यार में, गुम है किसी के प्यार। कमिश्नर सर से मिलने आई थी। कमिश्नर सर, कुछ काम था? नहीं, पुरानी जान पहचान है, वो मेरे आबा के सीनियर थे। तुम्हारा पति ठीक है? हाँ, सत्या का हाथ फ्रैक्चर हो गया है तो डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए बोला है, बाकी चिंता की कोई बात नहीं है। दोनों बच्चे साथ में हैं तो बोर भी नहीं होगा। वो तो है, इसे दुनिया के बेस्ट डॉक्टर भी तो है उसके साथ, जल्दी ठीक हो जाएगा। वैसे I'm sorry, कभी कभी कुछ ज्यादा ही बोल देता हूँ। क्या है? फोन आ रहा है। जरा दिखाओ। क्या कर रही हो तुम? अरे खून बह रहा है, अब क्या किया तुमने? क्या किया मैंने? कहना क्या चाहती हो तुम? ओहो, शांत हो जाओ, चलो यहाँ बैठो। इसकी कोई जरूरत नहीं मुझे, I'm fine। ये तुम नहीं, ये मैं बताऊंगी। भूल गए, डॉक्टर मैं हूँ। और प्लीज आर्ग्यूमेंट मत करो ना, आओ बैठो। Thank you.
तभी बता रही थी कि तुम अपना ख्याल नहीं रखते, खाना नहीं खाते, ऐसे ही सो जाते हो, और कपड़े बदलते हो, जूते उतारते हो, कहीं भी सो जाते हो। सब क्या है विराट? मैं तुमसे कभी पूछता हूँ, कभी कोई प्राइवेट सवाल करता हूँ, तो तुम अपने पति के साथ कैसी हो, अपने घर में कैसी हो, पूछता हूँ? नहीं, तो अब किस हक से तुम मुझसे ये सवाल कर रही हो? मेरे बच्चों के बाबा होने के नाते इतना हक तो है ना कि ये सवाल पूछ सकूं। अगर और किसी के लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए अपना ख्याल रखो। वो परेशान होते हैं तुम्हें ऐसे देखकर। रख लूंगा ख्याल। थैंक यू। Excuse me, कमिश्नर विजेंद्र घाटके जी से मिलने आई हूँ, डॉक्टर सई जोशी। आप जाइए, कमिश्नर साहब आपका ही इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू। बीजू काका! अरे अरे मेरी छोटी बच्ची, इतने सालों के बाद तुझे देख रहा हूँ मेरी छोटी चुहिया। आपकी छोटी चुहिया अब बड़ी हो गई है बिलाटे काका। ये क्या कह रही हो, कोई सुन लेगा, इज्जत का फलूदा हो जाएगा भाई। कैसे हो काका? मैं बहुत बढ़िया, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ, इतने सालों बाद आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तुमसे ज्यादा खुश हूँ मेरी बच्ची। क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? आपने ऐसे सिर पे हाथ फेरा ना तो आपा की याद आ गई। हाँ, कमल और मुझ पे कभी फर्क किया है तुमने? देखो मैं तुम्हारा बाबा ही हूँ, और मैं अपनी बेटी के आंखों में आंसू नहीं दे पाता। चलो पूछो, पूछ लो, पूछ लो। अरे जब तुम्हारे विजू काका है साथ तो रोने की क्या बात। अच्छा आजा आजा, बैठ बैठ। अच्छा आप ये बताइए कि आप इतने साल कहाँ थे और आपको क्या मेरी याद नहीं आई? और चलिए ये बताइए कि काकू कैसे है? अच्छा चलो, जवाब भी देने देगी या आप सवाल ही करती रहोगी? अच्छा फाइनल क्वेश्चन, ये बताइए कि समीर भाऊ कैसे? हाँ, तुम्हारे समीर भाऊ बरसों पहले विदेश चले गए अपनी बीवी बच्चों के साथ, वही सेटल हो गए। हाँ कभी कभार दो चार महीने में एक फोन आता है, सिर्फ कभी कभी, कभी कभी वो ही नहीं। और काकू? लद्दा को गुजरे हुए 7 साल हो गए। अच्छा तू मेरी छोटी, अपनी सुनो, एक बात पूछू। मैंने सुना है कि तुम और विराट अलग हो गए। अरे विराट आ जाओ आ जाओ, अरे ऑफिस में ही थे। गया था। तो जल्दी क्यों आ गए, क्या कुछ हुआ? विराट ये चोट कैसी है, सब ठीक तो है? विराट सबसे सही मेरी जिंदगी में आई है ना, मेरी पूरी दुनिया बस उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। मेरे हर किस्से में, हर याद में बस वही रहती है, चाहे वो मेरी जिंदगी में हो ना हो, दिल में जरूर रहती है मेरे। जानता हूँ मुझे छोड़कर गई है,
जा चुकी है, किसी और की पत्नी बन चुकी है, सब जानता हूं, लेकिन जब मेरे सामने होती है ना, मैं खुद ब खुद उसकी तरफ खींचा हुआ चला जाता हूं। और जब वो मुझे दूर जाती है, तकलीफ होती है, दिल में एक दर्द सा महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों उसकी हर एक झलक, हर एक याद मुझे इतना परेशान कर देती? क्यों? क्योंकि बाबा, मैं ये दर्द और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। इसे खुद को रोज टूटते हुए नहीं देख पा रहा हूं मैं चाहे कितना भी तेज क्यों ना भाग लूं, उसकी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। यादें क्यों नहीं मिटा सकते हम? क्योंकि यादें ही है कि मेरी हर एक तकलीफ, हर एक दर्द, हर एक आंसू, हर एक आंसू की वजह है वो। मुझे सही को बुलाना होगा, उसके साथ बिताए हर पल को भूलना होगा मुझे, मेरे दिल में जो प्यार है ना उसके लिए, उसको भी बुलाना होगा मुझे, सबको बुलाना होगा मुझे, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, मुझे अब बुलाना होगा मुझे, समझ में नहीं आ रहा। मुझसे तेरी तकलीफ देखी नहीं जा रही है बड़ा, तुझे इस हाल में देखकर मैं खुद को बहुत मजबूर, बहुत लाचार महसूस कर रहा हूँ। तू जो चाहता है, तू जो कह रहा है, काश वो मुमकिन होता। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।